हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ब्यूटीफुल लाइफ विद ईशानी। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम सब लोग भी अच्छे हैं। और आज मैं बहुत दिनों बाद में कैमरा उठाई हूँ, ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। चार दिन से मेरे सर बहुत दर्द कर रहे हैं, पता नहीं क्यों दर्द कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा था। आज थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, चार दिन से मैं रेस्ट ही कर रही हूँ। कल शाम को मार्केट गए थे ना, तो वो देखिए पालक लेकर आए थे और पालक को इसी तरह रख दिए। पालक की हालत तो देखिए कैसा हो गया। आज मैं सोची हूँ पालक वाली दाल बनाऊंगी और पालक की सब्जी बनाऊंगी। अभी मैं यहाँ पे पालक साफ कर रही हूँ क्योंकि मुझे डिनर की तैयारी करनी है। और आज डिनर में पालक की दाल बनाऊंगी और पालक आलू की सब्जी बनाऊंगी। वैसे ये पालक ख़राब हो रहे थे तो मैं सोची चलो फटाफट से पालक को साफ कर लेती हूँ और जल्दी आज डिनर भी बना लूँगी। और हम लोग ना लंच नहीं किए हैं, मन नहीं हो रहा था करने का। वैसे अभी आफ्टरनून का ही टाइम है, 3:30 हो रहे थे, तो मैं सोची चलो फटाफट से डिनर बना लेती हूँ, जल्दी डिनर कर लेंगे। दाल को अच्छे से धो लिया है, अभी इसमें हल्दी और नमक डाल दिए हैं और अभी इसमें कटा हुआ पालक डाल दूंगी और इसे बॉईल कर लूंगी, फिर बाद में तड़का लगाऊंगी। पालक आलू की सब्जी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो मस्टर्ड ऑयल ली हूँ और ऑयल में अभी मेथी दाना डाली हूँ और हरी मिर्च डाली हूँ और अभी इसमें डालूंगी प्याज और प्याज को हल्का सा भूनूंगी, उसके बाद आलू डाल दूंगी और आलू और प्याज दोनों को एक साथ ही फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। आलू प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है, अभी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भी थोड़ा टाइम तक फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे और रेगुलर जो मसाले होते हैं वही डालेंगे इसमें। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसमें पालक ऐड करेंगे। मसाले भून गए थे तो इसमें मैं पालक डाल दी हूँ। पालक को गलने देंगे और जब पालक अच्छे से गल जाएंगे तो थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, 1 से 2 मिनट तक और सब्जी को पकाएंगे, सब्जी बन के रेडी हो जाएगा। अभी मैं चावल चढ़ा दी हूँ और सब्जी बन रहे हैं। और अभी आज मेरा एक कुरियर आया है, हाँ कंटेनर में ऑर्डर की थी ना बहुत दिन पहले, मैं आप लोगों को बोली हुई थी, वो कंटेनर आज आया है। उसका डिलीवरी का डेट ना बढ़ा दिया था, मुझे तो लग रहा था कि देगा ही नहीं, लेकिन आज आ गया है और मैं खोल कर देख भी ली हूँ। अभी देखिए यहाँ पे खोल के रखी हूँ, अभी इसे लेके चलती हूँ उधर, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए प्रोडक्ट क्या चल रहा है, प्रोडक्ट तो बहुत ही अच्छा आया है, मैं चेक कर ली हूँ, डिफेक्टिव नहीं है। डिफेक्टिव रहता तो मुझे रिटर्न करना पड़ता, तो देखिए इतने बड़े बॉक्स में आया है और क्वालिटी अच्छा है, लेकिन डब्बे का साइज थोड़ा छोटा है। जितना दिखा रहा था ना 1100 ml दिखा रहा था, लेकिन उतना नहीं है, उससे छोटा है। तो देखिए इस टाइप का कंटेनर है और इसके ऊपर का ढक्कन देखिए ग्रीन कलर में मैं ली हूँ। इसमें बहुत सारे कलर थे लेकिन मुझे ग्रीन कलर बहुत ही अच्छा लगता है। ग्रीन कलर का मेरे किचन में बास्केट है ना, वो भी बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ग्रीन कलर ही मंगाई। एयर टाइट कंटेनर है, बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है और थोड़ा सा साइज इसका छोटा है बट फिर भी ठीक है, अच्छा है। मतलब इतना भी छोटा नहीं है कि इसमें कोई सामान नहीं आएगा, 12 kg से ज्यादा सामान इसमें आ जाएगा। तो 12 का सेट है ये और पैकेजिंग भी बहुत अच्छा है, इस तरह से पैक करके आया हुआ था। और अभी इसका डब्बा, इसका बॉक्स भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे बॉक्स में ये पैक करके आया हुआ है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, बहुत लेट डिलीवरी आया है क्योंकि मैं दिवाली से बहुत दिन पहले ऑर्डर की थी, लेकिन दिवाली के बाद आया, काफी टाइम बाद आया। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो इसका कोड मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चाहे तो मंगा सकते हैं। अभी तो आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा था, मैं बहुत टाइम पहले ऑर्डर की थी इसलिए आ गया। अभी खाना बनके रेडी हो गया है तो मैं खाना भी निकाल रही हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। पालक वाली दाल है, चावल है, पालक आलू की सब्जी है और ये सुबह का भिंडी आलू की सब्जी है। तो अभी हम लोग डिनर करेंगे। डिनर करने के बाद हम लोग यहाँ दृशानी का टेंट हाउस ऑर्डर किए थे ना, उसी को खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं क्योंकि इसका डिलीवरी भी आज ही आया है।
तो ओपन तो किए, बहुत खुश थी दृशानी कि उसका टेंट हाउस आ गया, लेकिन इसे हम लोग रिटर्न कर दिए क्योंकि ये अच्छा नहीं था। इसमें पता नहीं डायग्राम भी अच्छे से दिया नहीं था, और ऊपर से इसमें जो पाइप दिया था ना वो मतलब मिसिंग था, या फिर मतलब कुछ तो इसमें मिसिंग था जिसकी वजह से ये अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा था, और जैसा सोचा था वैसा आया नहीं, तो इसलिए हम लोग इसे रिटर्न कर दिए। Sorry for being a mess. I gave my best, but was too late. दिवाली कब का खत्म हो गया और अभी तक पटाखे जला रहे हैं। तो अभी हम लोग का डिनर हो गया है, बहुत जल्दी हम लोग खाना खा लिए हैं क्योंकि जल्दी मैं खाना बनाई थी तो जल्दी खा भी लिए हैं। और मैं आप लोगों से डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग मिलूंगी क्योंकि ये ब्लॉग को मैं कल मॉर्निंग तक कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि मैं आज ना शाम से स्टार्ट की हूँ, मूड बन गया है तो मैं सोची चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। काफी टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ और बहुत दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ ना, तो थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, मन भी नहीं लग रहा है। वीडियो बनाते रहती हूँ तो बहुत मन लगता है, मन भी नहीं लग रहा था, अजीब अजीब सा लग रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खो गया है। तो खो क्या गया है, आप लोगों से बातें नहीं कर पा रही हूँ, मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, तो सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही है। तबीयत खराब था जिसकी वजह से काफी टाइम से सबका तबीयत खराब था, मेरा ही नहीं, दीक्षानी का भी, मेरे हस्बैंड का भी, सर्दी खांसी हुआ था, फिर उसके बाद सब ठीक ठाक हुआ तो फिर मेरे सर में दर्द पकड़ लिया। पता नहीं 3-4 दिन से तो मैं एकदम ही परेशान हूँ सर दर्द की वजह से। आज एकदम अच्छा फील कर रहे हैं, ठीक ठाक लग रही हूँ, तो मैं सोची चलो ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए डायरेक्ट मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट फॉर ड्रीम दिशु, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, हम सब लोग भी अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग, हैप्पी छठ पूजा। तो आज छठ पूजा का ना सुबह वाला घाट है, हाँ तभी हम लोग जा रहे हैं उधर, घाट लगता है ना उधर जा रही हूँ, जहाँ पे नदी है ना वहाँ पे जा रही हूँ, ऐसे टहलने के बहाने से जा रहे हैं, देखेंगे उधर कैसा घाट लगा है। कल शाम को हम लोग सोचे थे जाने के लिए, लेकिन बहुत लेट हो गया तो नहीं गए है ना, सुबह सुबह उठ के तैयार होके जा रहे हैं। कहीं ना मास्क देखा नहीं, नहीं देखा, तो मैं भी तैयार हो गई हूँ और दिशानी को भी रेडी कर दी हूँ, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसा घाट लगा है। बाप रे, इतना ठंडा ठंडा हवा चल रहा है ना, बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है। पता है हम लोग बेलापुर में रहते थे ना, उधर ठंडा नहीं लगता था, इधर ठंडा लगता है, इधर ज्यादा लगता है, अभी गांव वाली फीलिंग आ रही है, मतलब हम लोग के गांव में तो वैसे ठंडा लगता ही है, चाहे बिहार हो या फिर आसाम हो, वहां पे तो ठंडा लगता ही है। हाँ ठंडा लग रहा है, जैकेट पहन के आना चाहिए ना, जैकेट हम लोग का जैकेट ना अंदर है, बैग में पैक करके रखे हुए हैं, इतना सुबह सुबह जाते कहाँ हैं। ये देखिए कितना कोहरा छाया हुआ है, सुबह सुबह टहलना बहुत अच्छा लगता है, और आज ना ठंडा भी है, अच्छा लग रहा है ना, कान सुनना हो गया पूरा से, पूरे गांव की याद आ गई। अभी हम लोग घाट पे आ गए हैं, मुझे लगा यहाँ पे बहुत अच्छे से हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, यहाँ पे सजाया भी नहीं था, बस बहुत कम लोग थे, और ये लोग यहाँ पे छठ पूजा कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, कोई तो कर रहा था, बहुत अच्छा लगा। और छठ पूजा ना हमारे घर में भी होता है, मेरे मायके में भी होता है, ससुराल में भी होता है, सासू माँ और मेरी मम्मी दोनों करती है, तो और मेरी जेठानी लोग भी करती है,
छठ पूजा का व्रत बहुत कष्ट वाला होता है क्योंकि ये 36 घंटा का व्रत होता है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, मेरे घर में पहले दादी करती थी, उसके बाद मेरी मम्मी करने लगी, मेरी ये ससुराल में सासू माँ जेठानी सब लोग करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे सब लोग सूर्य भगवान का वेट कर रहे हैं, जैसे ही सूर्य भगवान निकलेंगे वैसे ही अर्घ देंगे और उसके बाद पूजा खत्म हो जाएगी, सब लोग घर चले जाएंगे। तभी देखिए सूर्य भगवान कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, तो निकलने का लोग वेट कर रहे हैं। और आप लोग ये वीडियो देखिए, एंजॉय करिए और छठी माता आप सारे फ्रेंड्स के घर में खुशियाँ लाएँ और आप सबकी मनोकामनाएँ पूर्ण करें। आज के दिन ना हमेशा सूर्य भगवान बहुत अच्छे से निकलते हैं, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। आ गए हैं घर, आने के बाद बहुत सारे काम किए हैं, पानी भी आ गया था तो पानी भी भरे हैं। सबसे पहले तो हम लोग गर्म पानी करके पिए हैं, फिर चाय पिए हैं, उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज के दिन हमारे घर में दाल चावल पकौड़ा बनता है, जैसे कि दिवाली के दिन भी बनता है, सेम वैसे ही आज के दिन भी बनता है, लेकिन उसे भोर में बनाया जाता है, जैसे कि 4 बजे 3 बजे सुबह उठकर बनाना पड़ता है। मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब मेरी सासू माँ भी नहीं है, कोई व्रत करने वाला नहीं है, तो मैं अपना टाइम पे ही बनाती हूँ। तो अभी दाल चावल बन गए हैं, यहाँ पे मैं लौकी काट रही हूँ क्योंकि लौकी का सिंपल सा भाजी बनाऊँगी। मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मेथी दाना और हरी मिर्च डालूँगी, थोड़ा टाइम तक फ्राई करूँगी, उसके बाद प्याज डालती हूँ, प्याज को भी हल्का भून लूँगी, उसके बाद इसमें लौकी काटा हुआ डालती हूँ। और अभी इसमें हल्दी और नमक डालेंगे और लौकी को गलने देंगे, जब ये पूरे अच्छे से गल जाएंगे तो सब्जी बनके रेडी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है लेकिन खाने में बहुत यम्मी लगता है और खासकर दाल चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। अभी यहाँ पे मैं पकौड़े के लिए बैटर बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं बेसन ले रही हूँ, तो जितना बेसन की ज़रूरत था उतना मैं ले ली हूँ। और अभी इसमें लहसुन का पेस्ट डाली हूँ और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा इसमें काली मिर्च का पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। चाहे तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, अजवाइन नहीं मिल रहा था तो मैं नहीं डाली हूँ, लेकिन मैं हमेशा डालती हूँ, अच्छा रहता है पेट के लिए। तो अभी थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के बेसन को अच्छे से घोल लेंगे, उसके बाद पकौड़े को फ्राई कर लेंगे। अभी मेरे पूरे खाना बनके रेडी हो गया है और दृशानी को ना 1 घंटा पहले मैं खाने के लिए दी थी, लेकिन ये लड़की नहीं खाई, उसे मुझे अभी खिलाना पड़ रहा है खाना बनाने के बाद। और देखिए कैसे अपने बालों में कंघी को उलझा ली है, हमेशा कुछ ना कुछ बदमाशी करते रहती है, शांत नहीं बैठ सकती है। तो गाइस अभी यहाँ कर पूजा भी कर लिए, खाना भी खा लिए, तो आज मैं बनाई थी दाल चावल पकौड़ा। आज के दिन मतलब मेरे घर में यही बनता है दाल चावल पकौड़ा, और मैं लौकी की सब्जी बनाई थी एकदम सिंपल सा, लौकी का भुजिया। तो अभी 10:30 हो गया है और अभी तक मेरे सारे काम पड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं, सिर्फ मैं खाना बनाई हूँ, खाई हूँ बस। पापा को देख देख कर ना पता नहीं क्या क्या करेंगे, क्या देख के नहीं कर रही है? हाँ?
आउट हो रही। पूरा घर बिखरा हुआ है। अभी जस्ट मैं खाना खाई हूँ और बहुत ज्यादा खाली हूँ, लगता है मुझे नीचे जाना पड़ेगा। अरे कूदो मत बेटा, बेटा कूदो मत, गंदी बात ना बेटा। कह रहे बिस्तर पे ना, बिस्तर पूरा बिखरा हुआ, उसी तरह ठंडी लग रही है। ये वाले जो ब्लैंकेट में रख दी थी तो उसे रात को मैं निकाली, और पतला वाला ब्लैंकेट था ना उससे ठंडा नहीं जा रहा था। फैन चालू रहता है ना तो फिर ठंडी लगती है। और ये ब्लॉग ना मैं मंगलवार के दिन स्टार्ट की थी और आज है गुरुवार, कल था बुधवार। बुधवार के दिन ना मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, कंटिन्यू नहीं कर पाई। कल मॉर्निंग में तो स्टार्ट की लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाई, बहुत सारे काम आ गए। पता नहीं कब से ब्लॉग में कंटिन्यू करूंगी, काफी टाइम से मेरे वीडियो नहीं जा रहे, कभी जा रहे हैं कभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कंटिन्यू करने की। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है ना कि समझ में ही नहीं आता है, इन दिनों पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, और पता नहीं मुझे क्या हो गया है, समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं अच्छे से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं। आज मैं सुबह सुबह उठ के घाट पे गई थी ना, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन हम लोग ना यही पास में ही गए थे, हमेशा मैं वहां पे जाया करते, आप लोग देखे होंगे बहुत सारे ब्लॉग में, तो वहां पे ज्यादा लोग नहीं थे। और एक जगह घाट लगता है, वहां पे ज्यादा लोग जाते हैं, लेकिन ये नजदीक है ना, उतना दूर कौन जाएगा, वो थोड़ा दूर पड़ता है, इसलिए नहीं गए हम लोग। और रास्ता भी मालूम नहीं था किधर है किधर नहीं। ठंडी के मौसम में ना मेरे बालकनी में धूप आता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है ना, ठंडी के दिन में बालकनी में धूप आता है और गर्मी के दिन में नहीं आता है। और हमारे ससुराल में भी छठ पूजा होता है, मायके में भी छठ पूजा होता है। सबको मैं बोली हूँ वीडियो बना के भेजने के लिए, देखिए कौन कौन भेजता है। मैं आसाम में भी बोली हूँ, आसाम से देखिए वीडियो आता है या नहीं। आएगा तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वहाँ पे छठ पूजा कैसे होता है। जो भी छोटा मोटा क्लिप रहेगा मैं डाल दूंगी देख, लेकिन आएगा तब, नहीं आएगा तो नहीं शेयर कर पाऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया, और अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिशो चल बाय बाय बोल दो, बाय बाय। गिराई देगी ऐसे करती है ना कि चलो चलो बाय बाय, थैंक यू सिंग गुड और गुड नाइट बोलने जा रही थी। गुड नाइट नहीं है बेटा, अरे गुड नाइट कहाँ बोला, फिर ये क्या कर रही है, ये गंदी आदत है ना। चलो चलो जल्दी फिर से अच्छे से बाय बाय बोल दो जल्दी। बाय बाय, अपने ख्याल रखना, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, बाय बाय।